बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारे सब्जेक्ट जो आपका लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स है, कोर्स कोड SPED 3153, उसकी सीरीज़ हम कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने किया व्हाट इज़ फोनेटिक्स, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स, और हर ब्रांच जो है वो किन एरियाज़ को या किन फील्ड्स को डील करती है। इसके साथ हमने किया कि क्या डिफरेंस है आपके फोनेटिक्स में और फोनोलॉजी में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन योर कोर्स आउटलाइन इज़ हिस्ट्री ऑफ फोनेटिक्स। ठीक है, बेसिकली कैसे फोनेटिक जो है वो, ये सब्जेक्ट हमने कहा कि फोनेटिक्स जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड है, तो कैसे वक्त के साथ इवॉल्व हुई है ये फील्ड, ये हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फोनेटिक्स में। तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। द हिस्ट्री ऑफ फोनेटिक्स गोइंग बैक सम 2.5 मिलेनिया मेक्स इट परहैप्स द ओल्डेस्ट ऑफ द बिहेवियरल साइंसेज, एंड गिवन द लॉन्गेविटी एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द अर्ली फाइंडिंग्स फ्रॉम दीज टाइम्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल। ये प्रोफेसर जॉन ओहालग ने 1991 की स्टेटमेंट है कि हिस्ट्री ऑफ फोनेटिक्स जो है वो तकरीबन 2.5 मिलेनियम पुरानी है, मतलब जहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो 2.5 मिलेनियम जो है वो पुरानी है। बिहेवियरल साइंसेस में वो कहते हैं, उनका ख़्याल है कि ओल्डेस्ट जो सब्जेक्ट है स्टडी किया गया वो फोनेटिक्स है। अर्ली रूट्स हमें इसकी मिलती हैं इंडिया से, एंशियंट इंडियन से और कोरिया से। पनीनी जो है दैट वाज एन एंशियंट इंडियन फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट कौन होता है, जो कि फिलोलॉजी हम कहते हैं जो इल्मुल लिसान है, लिसानियात का जो इल्म कर रखते हैं, जो स्टडी करते हैं, उनको फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये एक कदीम माहिर लिसानियात था, ग्रामेरियन था, उसको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है। सबसे पहले जब भी हिस्ट्री ऑफ फोनेटिक्स का जिक्र होता है तो पनीनी का जिक्र होता है, उसको हम मॉडर्न फोनेटिक्स का या लिंग्विस्टिक्स का बानी मानते हैं। ठीक है, इंडिया में 7th to 4th centuries बिफ़ोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, जो आपका BC एरा है उससे भी, वो कहता है 400 से 400 साल कबल अज़ मसीह जो है वो पनीनी का वर्क था। हिज वर्क ऑन संस्कृत वाज सरप्राइजिंगली मॉडर्न एंड सिस्टमेटिक। 19th century में जब यूरोपियन जो फोनेटिशंस थे या यूरोपियन स्कॉलर थे, उसने डिस्कवर किया था पनीनी का वर्क ऑन, कि उसने संस्कृत ग्रामर पर जो है वो जो काम किया है वो काफ़ी मॉडर्न था, उसको उन्होंने पब्लिश किया, और तब से ये माना जाने लगा कि जो इसकी रूट्स हैं ना आपकी फोनेटिक्स की और लिंग्विस्टिक्स की, वो पनीनी के काम में मिलती है, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसने एक अपनी ग्रामर दी थी संस्कृत ज़ुबान के लिए। फोनोलॉजी ऑफ फोनेटिक्स वाज एक्सप्लिसिटली डेल्ट विद, डिस्कवरी ऑफ पनीनी ग्रामर हेल्प डिवेलप टूडेज लिंग्विस्टिक साइंस। जो हमारी मॉडर्न लिंग्विस्टिक की बेसिक्स है ना, जो आप उन्हें कहते हैं इसकी बुनियाद है या जो इसका बेसिक मॉडल है, वो जाकर आपको पनीनी की ग्रामर से मिलता है। फिर है किंग सेजोंग ऑफ कोरिया, 1397 से 1450 इसका एरा था। ये 4th king था कोरिया का। ठीक है, किंग सेजोंग था क्या कि वांटेड हिज पीपल टू बी लिटरेट। किंग सेजोंग ने, सेजोंग जो था 4th king, उसने ये कहा कि वो अपने
लोगों को जो है वो लिटरेट करना चाहता था, बट न्यू दैट द एग्जिस्टिंग सिस्टम वॉज टू डिफ़िकल्ट. लेकिन उसके लोगों के लिए जो चाइनीज़ बेस्ड सिस्टम था लैंग्वेज का, वो उसे मुश्किल लगता था. तो बेसिकली सेजोंग ने क्या किया था, क्रिएटेड बाय हिमसेल्फ एन एंटायरली न्यू साइंटिफिक अल्फ़ाबेट बेस्ड ऑन फोनेटिक्स. नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि एक उसने ये हैंगुल सिस्टम को कहते हैं, ये किंग सेजोंग ने बजाते खुद डिवेलप किया था एक अल्फाबेटिकली फोनेटिक सिस्टम अपने लोगों को लिटरेट करने के लिए. ठीक है, उसने डिफरेंट साउंड्स के लिए सिंबल्स जनरेट किए थे, राइटिंग सिस्टम डेवलप किया था, और उसको हम कहते हैं हैंगुल सिस्टम. नेम दिस अल्फाबेट हनमिन जोंग अम, एक्यूरेट साउंड्स टू एजुकेट द पीपल. ठीक है, उसने साउंड जनरेट की, उनको एक सिंबल दिया, और बेसिकली उसका मकसद क्या था कि वो अपने लोगों को लिटरेट करना चाहता था. चाइनीज़ बेस्ड जो सिस्टम पहले से राइज था वो उसके लोगों के लिए डिफ़िकल्ट था, उसने अपना एक अल्फाबेटिकल सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया. हिज अल्फ़ाबेट वाज लार्जली निगलेक्टेड ऑलमोस्ट अंटिल द 20th century. काफ़ी अरसे तक वो निगलेक्ट किए जाते, बट नाउ इन जनरल यूज़ इन बोथ साउथ एंड नॉर्थ कोरिया, और अब साउथ और नॉर्थ कोरिया दोनों में ये जो हैंगुल सिस्टम है ना, उसने मुतारिफ करवाया था, वो अब कॉमनली 19th century के बाद यूज़ होता है. नेक्स्ट नाम हिस्ट्री में आ जाता है सर विलियम जॉन्स का, 1746 से 1794 तक का इनका एरा था. ब्रिटिश स्कॉलर था, लिंग्विस्ट था एंड लॉयर था, पेशे के लिहाज से लॉयर था. फ्लुएंट इन 7 languages बाय एज 20, 20 साल की उम्र तक ही इज़ फ्लुएंट इन 7 languages. केम टू इंडिया एज सुप्रीम कोर्ट जज, तो वो जो एज सुप्रीम कोर्ट जज तायुनात होकर जो है वो इंडिया आया था. इन 1786 अनाउंस संस्कृत एंड द यूरोपियन लैंग्वेज हैव स्प्रंग फ्रॉम सम कॉमन सोर्स विच परहैप्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट. बेसिकली सर विलियम जॉन्स जो मशहूर है, वो अपनी एक फ़िलासफ़ी उसने दी थी कि सब लैंग्वेजेस जो हैं वो एक कॉमन सोर्स से निकलती हैं. ठीक है, सब उसने कहा था संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस जो हैं वो एक कॉमन सोर्स से ही उभर के सामने आई हैं, इनके फाउंडेशन जो है वो एक है. तो उसने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से एक एसोसिएशन डिवेलप की थी, उसका फाउंडर था. सेट अ ट्रेंड फॉर स्टडिंग संस्कृत एज द बेसिस फॉर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली. इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली सीखने के लिए उसने क्या किया कि संस्कृत को स्टडी करना जो है ना, वो उसको ट्रेंड कायम किया. उसने बेसिस ये बनाई कि संस्कृत का सीखना ज़रूरी है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली को सीखने के लिए. तो इसकी बेसिकली इसकी रूट्स भी जो है वो हिस्ट्री से लिंग्विस्टिक्स की मिलती हैं. देन इज हेनरी स्वीट, 1845 से 1912 तक का इसका एरिया था. इंग्लिश फिलोलॉजिस्ट था और फोनेटिशियन था. ठीक है, फिलोलॉजिस्ट मैंने आपको बताया जो माहिर लिसानियात होता है उसको कहते हैं. अथॉरिटी ऑन एंग्लो सैक्सन एंड हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो हेनरी स्वीट है ये अथॉरिटी माना जाता था एंग्लो सैक्सन के एरा का. अब एंग्लो सैक्सन बेसिकली क्या है, एंग्लो सैक्सन आपकी एंशियट जो आप लिटरेचर जो पढ़ते हैं, जिन लोगों ने एम ए इंग्लिश किया हो या इंग्लिश अदब से जिनका थोड़ा बहुत लगाव हो, तो वो जानते हैं एंग्लो सैक्सन जो है वो फर्स्ट एरा, जो सबसे पुराना एरा इंग्लिश लिटरेचर का या इंग्लिश लैंग्वेज का कंसीडर किया जाता है, वो एंग्लो सैक्सन है. बेसिकली एंग्लो सैक्सन एक कल्चर ग्रुप था, 5th century के अराउंड की बात है ये. ठीक है, एक जर्मेनिक एथनिसिटी ग्रुप था, उसके लोग माइग्रेट करके यूरोप के एक आइलैंड पर आए, वहाँ उन्होंने अडॉप्ट किया जो वहाँ की मकामी लैंग्वेज थी उसको, उस एथनिक ग्रुप की लैंग्वेज को जो है वो एंग्लो सैक्सन एरा कहा जाता है. ठीक है, तो जो हेनरी स्वीट था वो उस पर उसकी रिसर्च थी एंग्लो सैक्सन पर, और उसको वो अच्छी तरीके से जानता था, उस पर अथॉरिटी माना जाता था. पायनियर इन मॉडर्न साइंटिफिक फोनेटिक्स, जो मॉडर्न साइंटिफिक फोनेटिक्स अब चल रही है
उसका पायनियर माना जाता है, पायनियर जितने भी हैं उनमें से हेनरी स्वीट को एक उसका रोल है उसको माना जाता है। हिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश साउंड, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश साउंड 1874 में एक बुक थी हेनरी स्वीट की जो लिखी जाती थी, वॉज अ लैंडमार्क स्टडी। उसको अभी भी फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स में जो है वो एक संगे मील की हैसियत दी जाती है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश साउंड्स हेनरी स्वीट की एक किताब है जो उसने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश साउंड्स पर लिखी हुई है। तो जो भी लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स हैं या जो फोनेटिक्स के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, वो इस बुक को एज ए लैंडमार्क पढ़ते हैं। थॉट टू बी द मॉडल फॉर प्रोफेसर हिगिंस इन जॉर्ज बर्नार्ड शॉज़ प्ले पिग्मेलियन, ऑल्दो इज़ वॉट एक्चुअली डेनियल जोन्स। और हेनरी स्वीट को ही मतलब माना जाता है कि जो एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है उसने एक प्ले लिखा था पिग्मेलियन के नाम से। ठीक है, उसका मॉडल जो है ना उसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो प्ले है उसमें प्रोफेसर हिगिंस है। प्रोफेसर हिगिंस बेसिकली कौन है, उस प्ले का एक करेक्टर है जो कि एक फोनेटिशन बना हुआ है, प्रोफेसर ऑफ फोनेटिक्स बना हुआ है और उसका नाम है प्रोफेसर हिगिंस। अगर किसी ने ये प्ले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मतलब हम इसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट पिग्मेलियन जो है वो बेसिकली एक आप कह सकते हैं कदीम यूनानी बादशाह था, और उसका क्या था कि उसने एक स्टैचू बनाया था। स्टैचू का नाम जो है वो उसने मेरे जहन में नहीं है, ठीक है, पिग्मेलियन एक ऐसा बादशाह था, उसने एक स्टैचू बनाया था एक औरत का, और उसने उससे जो है वो वही फेल इन लव विद दैट स्टैचू, और उसने उससे इतनी मोहब्बत की थी कि वो कहते हैं जो उस वक्त देवी थी उसने उसको स्टैचू को ज़िंदा कर दिया था। ठीक है, ये सब जो है ग्रीक मिथ्स हैं, जो ग्रीक के मिथ्स हैं उसमें यूनान की कदीम तहजीब में हमें इंग्लिश लिटरेचर में ये सब कुछ मिलते हैं। ठीक है, एफ्रोडाइट जो है आपकी वो भी एक कदीम यूनानी मिथ है, उसने उस स्टैचू को जो है वो लाइव कर दिया था। तो प्रोफेसर हिगिंस का भी इस प्ले में रोल कुछ इस टाइप का है कि प्ले में जो है वो एक लड़की को जो मतलब एक ऐसे एरिया से होती है, बहुत जैसे जुग्गीबाज या ऐसे एरिया से होती है, मैंने इस प्ले को स्टडी तो नहीं किया, बट ये कि उसका कंसेप्ट बेसिकली ये था कि वो प्रोफेसर हिगिंस उसको जो है वो सोफिस्टिकेटेड बनाता है, उसको लैंग्वेज सिखाता है, उस पर कुछ लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट्स करता है, एंड एट द एंड ही फेल इन लव विद दैट गर्ल जो है इसमें ना लड़की। तो बेसिकली प्रोफेसर हिगिंस जो बनाया है वो ये सोचा जाता है कि हेनरी स्वीट जो है वो उस प्रोफेसर के तौर मॉडल के तौर पे पेश किया गया है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसको पेश किया, लेकिन एक्चुअली जो है वो कहते हैं कि वो डेनियल जोन्स को पेश किया था। ये हेनरी हिगिंस है, फोनेटिशियन करेक्टर इन द प्ले पिग्मेलियन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फिर आ जाता है डेनियल जोन्स 1881 से 1967 तक। ये कौन थे जी, ये प्रोफेसर थे एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन। यूज़ द टर्म फोनीम इन द मॉडर्न सेंस, सबसे पहले इन्होंने फोनीम की टर्म यूज़ की है। प्रोमोटेड द टर्म कार्डिनल वाउल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब कार्डिनल वाउल्स आपने पढ़े भी फर्स्ट सेमेस्टर में, वो वाउल्स होते हैं, कार्डिनल वाउल्स आपका एक कार्डिनल चार्ट है जिसमें हम वाउल्स को सम स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट से पढ़ते हैं। ठीक है, आपकी लिप की शेप क्या है, आपकी टंग की हाइट क्या है, आपके फ्रंटल वाउल हैं या बैक वाउल हैं, ये आपने पढ़ा है ना चार्ट में, इसको हम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह दोबारा भी पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो कार्डिनल वाउल का जो कंसेप्ट है वो डेनियल जोन्स ने दिया था। अ फादर ऑफ द IPA जो आपका इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है उसका बानी या उसके जो फादर है वो भी कंसीडर डेनियल जोन्स को किया जाता है। सजेस्टेड अ टू पैरामीटर डायग्राम टू विजुअलाइज्ड हाउ वाउल्स आर प्रोड्यूस्ड, वो जो कार्डिनल चार्ट है आपके वाउल्स का वो टू डायमेंशन जो
डायग्राम है वो भी इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी इन्होंने, डेनियल जॉन्स ने। पॉपुलराइज्ड एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स के हवाले से ये बहुत पॉपुलर है। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स फोनेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं साउंड को यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जब हम साउंड को स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स। तो डेनियल जॉन्स सर, डेनियल जॉन्स या प्रोफेसर डेनियल जॉन्स, जो भी आप इन्हें कहें, ये पॉपुलर हैं एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स के लिए। डिवेलप न्यू अल्फ़ाबेट्स फॉर अफ्रीकन एंड इंडियन लैंग्वेजेस। तो जो अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स हैं जो कि उसमें शामिल किए गए हैं IPA में, तो इन्होंने न्यू अल्फ़ाबेट्स मुतारिफ करवाए थे डिफरेंट अफ्रीकन एंड इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। नेक्स्ट इज द लॉयनल लॉग, 1880 से 1953 तक। ऑस्ट्रेलियन एलोक्यूशनिस्ट हु वर्क विद स्पीच डिफेक्ट्स। एलोक्यूशनिस्ट बेसिकली हम कह सकते हैं पब्लिक स्पीकर्स को कहते हैं। ठीक है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, जिन्हें हम स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट अब कह रहे हैं, आप उनको कह लें। बेसिकली ही इज़ द कंसल्टेंट टू किंग जॉर्ज सिक्स्थ। किंग जॉर्ज जो सिक्स्थ जॉर्ज किंग थे वो स्टैमरर थे, उनके जो कंसल्टेंट थे या उनका स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट के तौर पर वर्क करते थे। और उसको भी जो है वो फीचर किया गया है इन 2010 इन अ मूवी, एक मूवी बनाई गई है जिसमें इसको करेक्टराइज, इसके करेक्टर को शामिल किया था। नेक्स्ट इज़ द एब रॉजलट, 1843 से 1924 का इनका एरा है। एन अर्ली इनोवेटर इन एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स में इन्होंने इनोवेशन की थी। ही वॉज अ प्रोफेसर विद द कॉलेज ऑफ फ्रांस। इनोवेशन क्या की थी कि रॉजलेट सिलेंडर्स, एक सिलेंडर्स डिवेलप किए थे। सिलेंडर्स का काम क्या था कि स्पीच साउंड्स एंड आर्टिकुलेटरी इंफॉर्मेशन वर रिकॉर्डेड फॉर एनालिसिस। आपकी जो स्पीच साउंड्स हैं उनको, आर्टिकुलेटरी इंफॉर्मेशन को हम परसीव करते हैं थ्रू द ईयर और जज भी करते हैं। बेसिकली ये सिलेंडर्स जो हैं ये प्रोनंसिएशन ऑफ एनी लैंग्वेज को एनालाइज करते थे। इट विल बी पॉसिबल हेयर आफ्टर टू नोट द प्रोनंसिएशन ऑफ एनी लैंग्वेज, डायलेक्ट और ईडियम वट एवर विदाउट रिलाइंग अपॉन द टेस्टिमोनी ऑफ द ईयर, विच डिस्टिंग्विशेस बट स्लाइट डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडल्स ऑफ स्पीकिंग ऑफ सेवरल इंडिविजुअल्स। ठीक है, मैं एक साउंड बोल रही हूँ, कोई और एक साउंड बोल रहा है, कोई तीसरा बंदा एक साउंड बोल रहा है, तो बेसिकली ये सिलेंडर्स क्या करते हैं, परसेप्शन ईयर की टेस्टिमोनी के अलावा, ईयर अलोन नहीं, ये साउंड को उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स पर एनालाइज कर सकते थे। ठीक है, एनालिसिस करते थे, तो ये डिवेलप किए इन्होंने। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, IPA। 1888 में पहला एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर्स का एक ग्रुप था, उन्होंने फर्स्ट एसोसिएशन फोनेटिक इंटरनेशनल पब्लिश कराया। ठीक है, मॉडल्ड ऑन द 1847 फोनेटिक स्क्रिप्ट फॉर इंग्लिश। अब 1988 में ये पब्लिश हुआ और बेस किस पे कर रहा था, 1847 की फोनेटिक स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश पर। गोल इसका क्या था, टू डिवाइस अ सिस्टम ऑफ ट्रांसक्राइबिंग स्पीच साउंड्स इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड एप्लीकेबल टू ऑल लैंग्वेजेस। ट्रांसक्राइब का मतलब यहाँ पर ये होता है, ट्रांसक्राइब हम कहते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। बेसिकली ट्रांसक्राइब मीन्स के यू पुट द साउंड इन टू रिटन और प्रिंटेड फॉर्म। ठीक है, अब हम जो कुछ बोल रहे हैं हम इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं ना। अब मैंने बोला है कप, तो क साउंड जो है वो सी से डिनोट की है, क्यों की है, ये बेसिकली तो दैट इज़ अल्फ़ाबेट। लेकिन साउंड जब आप इसकी लिखेंगे तो क्या साउंड इसकी निकल रही है यहाँ पे, क साउंड। इसी तरह जब मैं काइट बोलूँगी तो वो बेसिकली के साउंड है, और उसको भी जब हम ट्रांसक्राइब करेंगे ये फोनेटिकली तो वो मैं के से लिखूँगी। तो इसको हम कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ शिप, शिप में वैसे कितने आपके साउंड्स आने हैं, अगर मैं आपको इंग्लिश में कहती हूँ शिप में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं तो आप मुझे कहेंगे चार अल्फ़ाबेट्स हैं। लेकिन जब मैं फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करूँगी तो मैं शर्स एक साउंड काउंट करूँगी, उसमें साउंड्स कितनी आ रही हैं, तीन साउंड्स आ रही हैं। शर साउंड आ रही है, एक वाउल आ रहा है ई वाउल, और एक प साउंड आ रही है, तो मैं उसे कहूँगी ये शिप है।
तो यूनिवर्सल करने के लिए कि हर लैंग्वेज कहीं पर जो है जिसमें ये ना आए कि कहीं पे सी साउंड क बोलते हैं और कहीं पे सी साउंड स बोलते हैं, तो जब रिटन मटेरियल लिखा हुआ हो तो उसकी एक जैसी साउंड आए, इसको यूनिवर्सल करने के लिए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये डिवाइस किया गया था, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिस्टम। ये आप चार्ज दे सकते हैं, आपने कॉन्सोनेंट्स का चार्ज जिसमें आपके प्लेसमेंट है, मैनर है, वॉइसिंग डिवॉइसिंग है और सिंबल्स हैं अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स की साउंड सिंबल्स वो देखा हुआ है, फिर कार्डिनल वाउल चार्ट है। तो दिस वाज द इंटरनेशनल फोनेटिक चार्ट जो तब डेवलप हुआ और उसके बाद वो इवॉल्व होता रहा और अब आपके पास इसकी फाइनल शक्ल है। IPA के यूजेस क्या हैं? डिक्शनरीज में, टेक्स्ट बुक्स में, फ्रेज बुक्स में हम साउंड्स को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को ट्रांसक्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। क्रिएटिंग न्यू राइटिंग सिस्टम फॉर प्रीवियसली अनरिटन लैंग्वेजेस, ठीक है, जिन लैंग्वेजेस का कोई राइटिंग सिस्टम नहीं था उनको राइट करने के लिए जो है वो IPA हेल्प करता है। नॉन नेटिव स्पीकर्स लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश लर्न करने के लिए या कोई भी अदर लैंग्वेज लर्न करने के लिए अगर वो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज नहीं है, सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज जब हम किसी लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो हम बेसिकली आपको इंग्लिश का कोई वर्ड मुश्किल लगता है, आपने प्रोनंसिएशन चेक करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, डिक्शनरी खोलते हैं और उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं। तो बेसिकली किसी लैंग्वेज का वर्ड हमने कैसे प्रोनाउंस करना है ये हम IPA यूज़ कर सकते हैं उसमें। क्लिनिशियंस इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजीज एंड रिलेटेड डिसिप्लिनस, और एक यूज़ इसका क्या है कि जब हमने एज स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट काम कराना होता है, ठीक है, हमें प्लेसमेंट बतानी है, हमें मैनर बताना है, हमें वॉइसिंग डिवॉइसिंग बतानी है किसी साउंड की, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न फोनेटिक्स, फोनेटिक्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स है, फोनोलॉजी स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम पैटर्न एंड रूल्स, ये हमने पिछले लेक्चर में बात की। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आर हाईली रिलेटेड, बोथ आर विद इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड साइंटिफिक स्टडी, लिंग्विस्टिक की आपकी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होते हुए भी स्टडी ऑफ साउंड ही हैं, दोनों इंटरलिंक्ड हैं, दोनों रिलेटेड हैं और दोनों लिंग्विस्टिक की फील्ड की सब फील्ड्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कम्युनिकेशन में ह्यूमन लैंग्वेज में या स्पीच में यूज़ होती हैं, तो उसमें दो तरह की कम्युनिकेशन होती है हमारी, एक एक्स्ट्रा लिंगुअल लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स होते हैं, जब भी मैं जब बोलते हैं हम तो हमारी हर कन्वर्सेशन में हर पीस ऑफ या हर पार्ट ऑफ स्पीच जो भी मैं स्पोकन लैंग्वेज बोल रही हूँ उसके कुछ एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स होते हैं और कुछ लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स या लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं, वो सिंगिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, रीडिंग हो सकती है या स्पीच एंड लिसनिंग हो सकती है। एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक्स में उन्होंने कहा पैरा लिंग्विस्टिक हो सकते हैं, मेटा लिंग्विस्टिक हो सकते हैं और नॉन लिंग्विस्टिक फीचर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली फोनेटिक्स किसको डील करती है, जो आपके लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं, नॉन लिंग्विस्टिक एनिमल्स एलिमेंट्स को डील फोनेटिक्स नहीं करती। सो टू कंक्लूड, अब तक हमने जो पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, एंशियंट एरिया था, एंशियंट एरा में क्या था, द एंशियंट हिंदू ऋषिज हु कंपोज द वेदास मस्ट हैव बीन इन द नॉन फोनेटिक्स। एट अबाउट सेम टाइम द ग्रीक्स एंड द रोमन्स हैड ऑल्सो मेड लैंग्वेज एंड स्पीच द सब्जेक्ट ऑफ सीरियस स्टडी। तो हमने ये पीछे पढ़ा कि एंशियंट एरा कहाँ से निकला है, इंडिया से, एंशियंट इंडिया से और ग्रीक से, कोरिया से, रोमन से। 17th एंड 18th सेंचुरीज में क्या हुआ, द डिस्कवरी ऑफ हाउ लेटरल्स एंड नेजल साउंड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ला साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं और नेजल का मतलब है न एंड म साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ऑल्सो मैनी स्पीच सिंथेसिस मशीन्स वर बिल्ड एंड टेस्टेड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल फील्ड्स, जैसे अभी हमने सिलेंडर्स की बात की थी जो आपके रॉजलेट ने इन्वेंट किए थे। 19th एंड 20th सेंचुरी, बाय द लेट 1800s द इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन डिसाइडेड टू क्रिएट अ फोनेटिक सिस्टम इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब साउंड्स फ्रॉम ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है, IPA डेवलप हुआ। दिस इज़ द अल्फ़ाबेट दैट ऑल दोज स्टडिंग फोनेटिक्स स्टिल यूज टूडे, और यही IPA जो है वो इवॉल्व होता गया, उसकी मॉडर्न फॉर्म आई, बट बेसिकली दैट IPA स्टिल
used in the phonetics. Called IPA for short, the system allows linguists to explain the pronunciation of any language with one writing system. अब लैंग्वेज कोई भी हो, जब आप उसे फोनेटिकली IPA यूज़ करते हुए ट्रांसक्राइब कर सकते हैं और करेंगे, तो जो भी IPA सिंबल्स जानने वाला होगा वो उसे करेक्टली प्रोनाउंस कर सकेगा. आप इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं जानते, आप उर्दू स्पीकर हैं या पंजाबी स्पीकर हैं, लेकिन डिक्शनरी से जब आप ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं और आपको IPA के जो सिंबल्स हैं उनकी करेक्ट साउंड का पता है, तो आप उसे ठीक से प्रोनाउंस कर सकेंगे. स्पीच साउंड्स केम टू बी द मेन फोकस ऑफ लिंग्विस्टिक इन्वेस्टिगेशन ओनली इन द 20th सेंचुरी. 19th सेंचुरी लिंग्विस्ट वर मोर इंटरेस्टेड इन रिटन रादर देन स्पोकन लैंग्वेज. ठीक है, उन्होंने ये कहा कि 19th सेंचुरी तक, अनटिल 19th सेंचुरी, पहले जो है वो स्पोकन लैंग्वेज से ज़्यादा रिटन लैंग्वेज में इंटरेस्टेड थे. 20th सेंचुरी में जो है वो फोकस जो है वो चेंज हुआ. मॉडर्न फोनेटिक्स. टुडे फोनेटिक्स इज स्टडीड अलॉन्ग साइड फोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ साउंड्स. ये हम बात कर रहे हैं, जो अब हम फोनेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके पढ़ते हैं, क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी है हमारी लिंग्विस्टिक्स. हम बेशक इसमें अलग अलग पढ़ेंगे, हम फोनोलॉजी एक अलग फील्ड है, मॉर्फोलॉजी अलग फील्ड है, सिंटैक्स अलग है, प्रैग्मैटिक्स अलग है, सिमेंटिक्स अलग है, हम सब चीज़ों को अलग अलग इन डिटेल स्टडी करते हैं, बट एज अ होल दे आर जो ऑल आर द पार्ट ऑफ लैंग्वेज, और लिंग्विस्टिक एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है. हम मीनिंग को, मीनिंग ऑफ द साउंड को एक्सक्लूड नहीं कर सकते. मतलब ये हमने बात की है फोनेटिक्स में हम साउंड कैसे प्रोड्यूस, परसीव और ट्रांसमिट होती है, हम इसको देखते हैं, और फोनोलॉजी में हम इसको देखते हैं कि साउंड कैसे बिहेव करती है विद इन अ लैंग्वेज, कैसे मीनिंग देती है वर्ड्स को. बट हम इसको अलग अलग स्टडी तो करते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट हम मॉडर्न फोनेटिक्स क्या कहती है कि हम इसको इंटर डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन के तौर पर देखते हैं लिंग्विस्टिक्स को. हम चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग नहीं कर सकते, हम मीनिंग को साउंड से एक्सक्लूड नहीं कर सकते. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. हिस्ट्री में ऐसे समझने वाली बातें कम है, हिस्ट्री आपको बेसिकली याद करनी होती है. जो मेजर कंसेप्ट इसमें थे वो मैंने ट्राई किए, जो आपको समझ ना आए कि उनको एक्सप्लेन कर दूँ. बाकी कुछ इन चीज़ों को आपको एज इट इज़ हिस्ट्री को याद रखने की ज़रूरत है कि किसने क्या रोल किया था और कौन सा एरा जो है वो किसका था. ठीक है, होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. पीएम अनिल्ला, टेक केयर.